हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लश बी लिपस्टिक का रिव्यू। गाइस सी ब्लश बी ऑर्गेनिक लिपस्टिक का रिव्यू, फुल रिव्यू एंड डेमो आप लोग साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। सो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इसका फुल नेम बता देती हूँ। तो इसका फुल नेम है ब्लश बी ऑर्गेनिक ब्यूटी लिपस्टिक है ये। मतलब कि इसके जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं ब्लश बी के, वो ऑर्गेनिक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसमें क्वांटिटी आपको मिल जाता है 4.2 ग्राम। प्राइस है 699, ऑफर में कम प्राइस में मिल जाएगा। एंड सेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स तक, 3 ईयर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये नो एनिमल टेस्टेड है, 100% वीगन है, नो टॉक्सिक एंड मेड इन इंडिया, पैराबिन फ्री है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बना है। इसके की इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेती हूँ, तो इसके की इंग्रेडिएंट्स में आपको मिल जाता है आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड विटामिन ई। तो आप जानते हो आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड विटामिन ई हमारे स्किन के लिए, लिप्स के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। सो बहुत अच्छी इसकी इंग्रेडिएंट्स है। सो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, पैकेजिंग इज टू गुड। एंड इसका शेड नंबर भी आप देख सकते हो, सनसेट जोन ऑरेंज BB05 इसका शेड नंबर है। एंड कलर इज रियली वेरी प्रिटी गाइस, मुझे शेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब कि पिंक ऑरेंज टाइप का इसका शेड है। सो गाइस, आपने इसका रिव्यू तो देख ही लिया, तो अब इसका डेमो करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लिपस्टिक अप्लाई किया इसको रिमूव करती हूँ, देन उसके बाद मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि इसकी पिगमेंटेशन कैसा है। सो आप देख सकते हो मैंने जो लिपस्टिक अप्लाई किया था उसको मैंने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। एंड इसको अप्लाई करेंगे। सो आप इसका शेड देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत ही कंफर्टेबल है लिप्स पे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइज लगता है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और 100% वेगन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड आई लव दिस शेड एंड लिपस्टिक गाइस, ट्राई ज़रूर करना। सो गाइस, आपने देख लिया है, वेरी कंफर्टेबल है, काफ़ी क्रीमी लिपस्टिक है ये। और जब से मैंने लिया है तब से मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ भी करने लगी हूँ, आप देख सकते हो कितना कम भी हो गया है। सो इसको मैं काफ़ी यूज़ भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। जिनका लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई एंड पैची रहता है ना, उनके लिए लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट ये ट्रांसफ़र होता है, सी आप जैसे तो ये ट्रांसफ़र होता है, बट फिर भी ये लिप्स पे आपके रहता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। ट्रांसफ़र होता है लेकिन फिर भी लिप्स पे रहता है, ऐसा नहीं रहता है, काफ़ी कम्फर्टेबल है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता एंड एकदम ग्लॉसी वाला इफेक्ट भी दे रहा है। आप देख सकते हो थोड़ा शाइन भी करता है लिपस्टिक। एंड मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लिपस्टिक, क्योंकि मुझे लिक्विड बुलेट लिपस्टिक ज़्यादा अच्छा लगता है। लिक्विड लिपस्टिक बहुत ड्राई कर देता है लिप्स को, बट बुलेट लिपस्टिक जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये मुझे लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कॉमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो चलो अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।